वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हैं आप सब, उम्मीद करती हूँ आप सब मजे में होंगे। तो गाइज, जब भी मेरा कोई पार्सल आता है ना, आपको मेरी वीडियो में ऐसी एक्साइटमेंट देखने को मिलेगी, मैं बहुत खुश हो जाती हूँ यार। और मेरे से ना सब्र नहीं होता बिल्कुल भी कि मैं उस वीडियो का इंतजार, मैं उसे वीडियो में अनबॉक्स करने का इंतजार करूँ। मैं जस्ट फाड़ फूड़ के छुट्टी करती हूँ। तो चलो सबसे पहले मैं दिखाती हूँ कि मुझे इस तरह के पार्सल के पैकेट के साथ मेरा पार्सल रिसीव हुआ है, जिससे लेंस कार्ड बना हुआ है, मेरा ऑर्डर आईडी और मेरा घर का नंबर वगैरह लिखा हुआ है। सी दैट ओके। तो मैंने बेसिकली 4 स्पेक्स मंगाए थे, 2 नितिन के लिए मंगाए थे, 2 मैंने अपने लिए मंगाए थे। तो ऑफर चल रहा था शायद 1700 में, मैंने 2 स्पेक्स मंगाए थे महंगे वाले, एक नितिन के लिए और बाय 1 गेट 1 का ऑफर था। और सेम मेरे ख्याल से दूसरे पे भी ऑफर चल रहा था, ऑफर्स मुझे इतने अच्छे से नहीं पता। तो वो आपको ना मैं नितिन से पूछ कर डिटेल डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ऐप का लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और जो मैंने स्पेक्स परचेज किए हैं, अगर आपको वो परचेज करने हो तो उनके भी मैं लिंक्स डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लेना। ओके, आफ्टर दैट मुझे यहाँ पे बिल रिसीव होता है। तो भाई, एक चश्मा मेरा यहाँ पे ट्रांसपेरेंट ब्लैक ब्लू फुल रेक्टेंगल। ओके गाइस, तो जो मेरा फर्स्ट स्पेक्स है वो है 560 रुपीज का, लेट मी शो यू। तो होप यू कैन सी, 560 रुपीज का है ये। एंड कौन सा स्पेक्स है या तो इस तरीके की पैकेजिंग थी, बाहर का डब्बा कुछ इस तरीके से था, होप यू कैन सी दैट। तो यार कलर इसका काफ़ी अच्छा लग रहा है। देन यहाँ पे लेंस कार्ड का लोगो वोगो बना हुआ है और डब्बे पे ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। देन यहाँ पे मुझे ये लाइट ब्लू कलर का डब्बा रिसीव हुआ है। ओके, इससे पहले मैं आपको दिखा दूँ मेरा पुराना चश्मा यहाँ पे है। ओके, इससे पहले मैं जो चश्मा यूज़ कर रही थी ये जॉन जैकॉब्स का है। और गाइज, दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट स्पेक्स, लाइक लुक एट दैट। मुझे ऐसा लगता है मेरे फेस पे सूट कर रहा है। और हाँ, मुझे कई लोगों के कमेंट्स रिसीव हुए थे, अभी तो बड़ा चश्मा क्यों लगाते हो भाई, मेरी पसंद है, मुझे इतना ही बड़ा चश्मा पसंद है तो मैं ऐसे ही लगाती हूँ। ओके, तो भाई ये मुझे बहुत सही लगा था और इस पर बहुत अच्छे अच्छे रिव्यूज भी मुझे, मतलब कॉमेंट्स भी मुझे आए थे आप लोगों से, थैंक यू सो मच फॉर दैट। ओके चलो, ये वाला जो मैं 560 रुपये का चश्मा बता रही थी वो है ये। बाय द वे, इसका जो कलर कॉम्बिनेशन है वो बहुत कूल लग रहा है। साथ में आपको एक कपड़ा मिलेगा जिसे आप क्लीन कर सकते हो। एंड या, दिस इज माय फर्स्ट स्पेक्स, लुक एट दैट। तो भाई ये बॉर्न दिस वे, इस तरीके से। इसमें ना कलर ऑप्शंस भी थे, रेड था आई गेस, मेरे को ब्लू वाला अच्छा लगा था। और ना ये नितिन ने मेरे लिए एक्चुअली पसंद किया था। तो साइड की जो डंडी आप देख रहे हो ना यार, इस तरीके से है। सो इट्स अ ट्रांसपेरेंट चश्मा। तो मैं इसे लगा के दिखा दूं। पहले इसको लगाने से ना मुझे थोड़ी सी ऐसी फीलिंग आ रही थी कि यार ये थोड़ा सा मेरे फेस पे बड़ा है। मैंने अपनी मम्मी को वीडियो कॉल की और मैंने मम्मी को दिखाए दोनों चश्मे, 2 मंगाए थे ना, दिखाए कि मम्मी कैसा लग रहा है। मम्मी से बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन ये बाहर पहनने वाला है। मैंने कहा बाहर पहनने वाला, फिर नितिन ने भी बोला हाँ ये वाला चश्मा जो है ये बाहर के लायक है। तो आपकी क्या राय है कमेंट्स के थ्रू बताना, आपको ये कैसा लगा। तो भाई साइड से कुछ इस तरीके से नज़र आ रहा है और सामने से कुछ इस तरीके से नज़र आ रहा है और मैं कुछ ऐसी लग रही हूँ, अच्छी लग रही हूँ ना, अच्छी लग रही हूँ ना, कमेंट करना। गाइस, तो मेरा सेकंड स्पेक जो है वो है टर्कोइज गोल्ड कलर में एंड फुल रिम कैट आई, ये चश्मा है मेरा। तो इस पे लिखा हुआ है, इसका प्राइस है 1500, लेकिन इस पे डिस्काउंट 750 रुपीज का हुआ है। एंड द प्राइस जो मुझे इसका मिला है वो है 840 रुपीज। वेट, मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये वाला जो स्पेक्स है ना, ये मुझे 840 रुपीज में पड़ा। ओके, मुझे ये भी काफ़ी अच्छा लगा। लाइक वो वाला जो है ये मुझे 560 रुपीज का मिला और ये वाला जो है ये 840 रुपीज का है। सो इसमें 2 कलर्स थे, मुझे ये वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा था एंड साइड से कुछ इस तरीके से है। एंड ना मुझे की शेप है ना गाइस, कैटाइप में वो मुझे ना पर्सनली बहुत अच्छी लगती है ना। आई थिंक ये हर एक लड़की को तो नहीं बोल सकते, लेकिन कईयों को बहुत पसंद होती है। तो चलो मैं लगा के दिखाती हूँ। मुझे ऐसा लगता है मेरे पे ना इस तरह के, ये वाला शायद मेरे पास ना पहले भी था फ्रेम विद ब्राउनिश कुछ करके कलर था इसमें, ये मुझे बहुत सुंदर लगता है। आपको कैसा लग रहा है? और हाँ, एक चीज़ और ज़रूर बताना कि आपको दोनों फ्रेम्स में से ज़्यादा सुंदर कौन सा लग रहा है। मुझे तो ये भी अच्छा लग रहा है। चलो एक बार मैं और लगा के दिखा देती हूँ कि आपको ज़्यादा सुंदर कौन सा लग रहा है। वैसे एक सही बात बोलूँ, दोनों अपनी जगह अच्छे हैं, ये डिफरेंट है वो डिफरेंट है। तो मेरे पास ऐसा था नहीं, तो मैंने कहा ऐसा भी मुझे ट्राई करना चाहिए। वैसे ना मुझे ऐसा लग रहा है मेरे फेस पे ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है।
चलो अब आपको एक आइडिया हो जाएगा, मुझे कमेंट्स करके बताना. एंड बाय द वे मैं सारी डिटेल्स ना इनके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, सो चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. सेम फ्रेम्स अगर आपको लेनी है तो उनका भी लिंक मैं मेंशन कर दूंगी. और हाँ, बाय द वे सेल चल रही है तो आपको अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिलने वाला है, सो डू चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. ओके गाइज, नितिन के स्पेक्स अगर आप इंटरेस्टेड होते हो देखने के लिए तो मैं नेक्स्ट वीडियो में विद नितिन लेके आऊंगी. ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय बाय, लव यू ऑल.